किन पोर्स एपिसोड 6 देखकर मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एपिसोड शुरू में हमें देखने को मिलता है बॉडीगार्ड जो किन को ढूंढ रहे होते हैं, और तभी एक बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं किन को फोन की GPS ट्रैक कर रहा हूँ पर उनका कोई साइन नहीं मिल रहा। मिस्टर कॉर्न के बॉडीगार्ड बोलता है नो मैटर व्हाट कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढना है। उसके बाद बिग बोलता है कि सब मेरी गलती है, मैं मिस्टर किन की हेल्प नहीं कर पाया। और फिर मिस्टर कॉर्न के बॉडीगार्ड बोलते हैं कि तुम अपना काम करो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, मिस्टर किन एकदम ठीक है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है किन और पोर्स को जो जंगल में भटक रहे होते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। पोर्स बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें बिलीव नहीं करता, तुम कहाँ जा रहे हो। तो किन बोलता है उस तरफ, और पोर्स बोलता है मुझे उस तरफ जाना है। और फिर वो दोनों झगड़ा करने लग जाते। उसके बाद वो लोग किस तरफ जाएंगे उसके लिए रॉक पेपर सीजर खेलने लग जाते हैं, और उसमें किन जीत जाता है। और फिर किन बोलता है कि हमें उस तरफ जाना है, और पोर्स बोलता है कि तुमने बताया नहीं कि कितनी बार खेलना है, चलो 5 बार खेलते हैं। और किन बोलता है कि ये बेवकूफ़ी है। फिर पोर्स बोलता है कि ओहो तुम सोच रहे हो कि तुम हार जाओगे। फिर से वो लोग रॉक पेपर सीजर खेलने लग जाते हैं। फिर किन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि बहुत हुआ, हम इस तरफ जा रहे हैं। और फिर वो लोग उस तरफ चलने लगते हैं। बहुत घूमने के बाद किन को रियलाइज़ होता है कि वो लोग घूम फिर के एक ही जगह आ गए हैं। पोर्स किन को टीज़ करता हुआ बोलता है कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि बेवकूफ़ लीडर हम सबको ख़त्म कर देंगे। फिर किन बोलता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम क्यों नहीं लीड करते। फिर पोर्स बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुमने तो पूछा ही नहीं। फिर पोर्स बोलता है ठीक है चलो मुझे फॉलो करो। पोर्स बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने पानी का बहने की आवाज़ सुना है। किन बोलता है क्या पानी। पोर्स बोलता है ट्रस्ट मी, बस मुझे फॉलो करो। किन बोलता है कहाँ है पानी, हम तो घूम फिर के वही जगह आ गए। पोर्स बोलता है अरे मैंने पानी की आवाज़ सुना था ट्रस्ट। फिर किन बोलने लगता है कि हम बुलेट से तो बच गए पर डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। पोर्स बोलता है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो अदर साइड जा सकते हो, मुझे फॉलो मत करो। किन बोलता है क्या तुम्हें लग रहा है कि तुमसे ऐसे अटका रहना मुझे अच्छा लग रहा है। किन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रहता तो कब यहाँ से निकल जाता। फिर पोर्स बोलता है कि ठीक है फिर इसको तोड़ दो तो हम खुद के रास्ते जा सकते हैं। और फिर वो दोनों पत्थर से तोड़ने लगते हैं। किन बोलता है कि ये नहीं टूटेगा बेवकूफ़। पोर्स बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पता है तो जब वो लोग हम पे अटैक कर रहे थे तब तुमने कुछ किया क्यों नहीं। किन बोलता है क्या ये भी मेरी गलती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, कौन घर से भागा था। फिर पोर्स बोलता है तो तुम मेरे पीछे आए क्यों, अगर तुम मेरे पीछे नहीं आते तो वो लोग भी नहीं आते। जब से मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात हुआ है तब से मेरी लाइफ झंड हो चुकी है। फिर से वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। फिर वो दोनों स्लिप करके नीचे गिरते हैं और देखते हैं कि पानी। पोर्स बोलता है कि देखो मैंने कहा था ना कि पानी है यहाँ पर, मैंने तुम्हें कहा कि पानी की आवाज़ आ रही है। उसके बाद पोर्स बोलता है कि मैं हूँ जिसने पानी ढूंढा है, मैंने कहा था कि मुझे पानी की आवाज़ आ रही है। फिर वो दोनों पानी पीने लगता है और पानी में बैठकर बातें करने लगते हैं। और सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो लोग काफ़ी देर तक चलते रहते हैं। फिर वो दोनों को एक ट्रक मिलता है। किन बोलता है वाओ इंजन अभी भी काम कर रहा है। फिर बोलता है अरे नहीं ये तो पुराना ट्रक है कैसे काम करेंगे। कोई नहीं हमें एक जगह मिल गया सोने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि किन पुराने तरीके से आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है। पोर्स बोलता है कि क्या तुम्हें ये करना आता है। किन बोलता है
आग और मेघ साथ हैं। फिर पोर्स बोलता है, सभ्य पर गर्म। नहीं, मुझे बताओ हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पोलाइट बट हॉट? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर किन पोर्स को बोलता है, अपना हटाओ नहीं तो जल जाओगे। किन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद बोलता है, भूल जाओ ये मुझे नहीं करना, हम लोग ऐसे ही अंधकार में सो जाएंगे और मुझे अंधेरे में सोना पसंद है। तो पोर्स बोलता है, अगर हम ऐसे ही अंधेरे में रहे तो जंगली जानवर आके खा जाएंगे हमें। किन बोलता है, तो तुम क्या करोगे? फिर पोर्स अपने पॉकेट से लाइटर निकालता है और किन बोलता है कि तुमने कहा क्यों नहीं कि तुम्हारे पास लाइटर है। पोर्स बोलता है, मुझे मिस्टर किन की टैलेंट देखना था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं मिस्टर किन की हॉटनेस के वेट कर रहा था, मुझे देखना था कि वो कैसा है। फिर पोर्स किन को टीज करता हुआ बोलता है कि तुम्हारा पाव हटाओ नहीं तो तुम्हारा पाव जल सकता है। उसके बाद वो दोनों ट्रक में सोने जाते हैं। किन बोलता है कि मेरी मजाक उड़ाने की बजाय क्यों नहीं तुम निगरानी कर लो। पोर्स बोलता है कि तुम एक बोझ हो। किन बोलता है कि मुझे सुनाई दे रहा है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है के साथ फ़ोन पे बातें कर रहा होता है और बोलता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हर एक टीम को ऑर्डर दिया सर्च करने के लिए, मैंने पीट को भी तैनात के लिए भेजा है, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको इमिडिएटली इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर वो अपने लोगों को बोलता है कि मिला? तो वो लोग बोलते हैं, नहीं सर। तो वो बोलते हैं, ढूंढते रहो। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है पीट और पॉल को कार में एक साथ। पीट बोलता है, वेगास कब आएगा? फिर मेरे हस्बैंड को और उसके साथ एक लड़का दिखाया जाता है। वेगास बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या उन लोगों को पता है कि हमें पता है? वेगास को देखकर पीट पॉल के साथ किस की एक्टिंग करने लग जाता है और फिर पीट बोलता है कि कहाँ गया वो, और तभी वेगास पीट के कार के खिड़की पे आ जाता है और बोलता है कि मैं देख रहा हूँ तुम बहुत देर से मेरी ऊपर नज़र रखे हो, मुझे डर है कि तुम्हें शायद भूख लग गया होगा। फिर वो बैग पीट को देता है और पॉल उसको खोल के देखता है कि उसमें ब्रेड, मॉस्क्यूटो रिपेलेंट एंड कॉन्डोम होता है। वो देखकर पीट बहुत ज़ोर से चिल्ला देता है। पीट का आवाज़ सुन के वेगास बोलता है, तुम क्यों इतने ज़ोर से चिल्ला रहे हो? वेगास बोलता है, ये मेरा है, मैंने इसको खुद के लिए ख़रीदा है। सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है किन और पोर्स को। किन कुछ तो कर रहा होता है। पोर्स बोलता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाए? किन बोलता है, मछली पकड़ने के लिए। पोर्स बोलता है, तो फिर तुम छड़ी के साथ खेल क्यों रहे हो? किन बोलता है, सब लोग तो ऐसे ही करता है, नहीं करता है क्या? अगर मैंने मछली पकड़ ली ना तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। तुम क्या खा रहे हो? पोर्स बोलता है, पता नहीं कुछ फल टाइप का, कल रात को हम जहाँ सोए थे मुझे वहाँ मिला। किन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये खाने लायक है, इसमें जहर भी तो हो सकता है। फिर पोर्स एक्टिंग कर रहा होता है कि उसको कुछ हो गया। फिर पोर्स बोलता है, ट्रस्ट मी ये खाने लायक है। पोर्स बोलता है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे मछली पकड़ी जाती है। हमें सबसे पहले एक शार्प छड़ी चाहिए, उसके बाद एक काम करेगा। किन बोलता है, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी भी है? और फिर पोर्स अपने पॉकेट से एक नाइफ निकलता है और वो देखकर किन बोलता है कि तुम्हारे पास चाकू है और तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? पोर्स बोलता है, कल रात हम जिस ट्रक में सोए थे मुझे वो ही मिला। उसके बाद पोर्स छड़ी को नाइफ के हेल्प से शार्प कर देता है और किन को बोलता है, देखो जब ये मुंह इतना शार्प हो जाएगा तभी ये काम करेगा। पोर्स किन को मछली पकड़ने का सिखाता है और उन लोगों को बहुत सारा मछली मिल जाता है। उसके बाद वो लोग मछली आग में पका के खाने लगते हैं। पोर्स बोलता है किन को कि तुम यहाँ पे जब से आए हो बस स्माइल करे जा रहे हो, तुम्हारी हंसी बंद ही नहीं हो रही है। सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है किन पोर्स झरने के पानी में नहा रहे होते हैं। पोर्स बोलता है कि मुझे ठंड लग रहा है, तो किन बोलता है कि हग कर। हाय, ये सीन देखकर तो मेरा दिल बस गार्डन गार्डन हो गया।
फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है पोर सुसु कर रहा होता है और किन लंटन लेकर खड़ा हुआ होता है और वहाँ किन बॉयज टॉक करने लग जाते हैं। अरे यार, जब गर्ल्स टॉक हो सकता है तो बॉयज टॉक क्यों नहीं। और फिर हमें वहाँ देखने को मिलता है कंकल, जिसको देखकर पोर्स बहुत ज़्यादा डर और फिर किन बोलता है वो बस एक स्कल है जंगल में खोया हुआ एक इंसान का। पोर्स बोलता है क्या तुम बंद करो के नाम लेना, मैं कोशिश कर रहा हूँ भूलने की जो भी मैंने देखा है। किन बोलता है मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि तुम भी किसी चीज़ से डरते हो, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता। पोर्स बोलता है मेरा नाम पोर्स है और मैं 23 साल का हूँ, सॉरी मुझे पूरा नाम नहीं आ रहा है, मेरा एकदम मुँह दर्द कर रहा है इतना पूरा नाम पढ़ने में। पोर्स पचारा कित्ती स्वरन, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। नेक्स्ट, किन पोर्स को पूछता है तुम्हारा ड्रीम जॉब क्या है। पोर्स बोलता है मुझे एक छोटा सा बार खोलना है बीच में और अच्छा होगा अगर वो प्राइवेट बीच होगा तो। फिर पोर्स पूछता है किन से कि तुम्हारा ड्रीम जॉब क्या है, किन नहीं बोलता है। तब पोर्स बोलता है कि तानखून के पागल होने से पहले तुम्हारा कोई तो ड्रीम रहा होगा। किन बोलता है कि मुझे सिंगर बनना था, मैं गाने का कंपटीशन देखता था टीवी में। फिर पोर्स बोलता है कौन सा गाना गाते थे, मेरे लिए भी गाना गाओ। गाना गाने लगता है तो पोर्स हंस देता है, यार ये मेरे साथ भी होता है, मैं जब भी गाना गाने लगती हूँ मेरे मम्मी बोलती है कौन कुत्ता भौंक रहा है, कोई इज्जत ही नहीं है। उसके बाद सीन में थोड़ा सा सीरियस टॉक होने लगता है। किन तानखून के बारे में बात कर रहा होता है कि यंग एज में वो किडनैप हो गया था और वो कैसे पागल हो गया। पोर्स बोलता है कि जब मेरे मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट हुआ था मैं भी कार में ही था, मरे गए सामने से आया हुआ एक बहुत तेज गाड़ी से, मैं बहुत ज़्यादा शौक था और मेरी सारी मेमोरी चला गया और उसके बाद मेरे अंकल ने मुझे सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। किन बोलता है तो अभी तुम्हारे पास बस उनकी अच्छी यादें हैं, मैं भी सब कुछ मिटा देना चाहता हूँ जो भी तुम्हारे साथ गलत किया। और उसके बाद वो लोग सोने जाते हैं। उनमें दिखाया जाता है पोर्स पूरी रात पहरा देता है और सुबह होते ही वो सोने के लिए जाता है और वहाँ पर हमें देखने को मिलती है हर टचिंग मोमेंट। बस यहाँ पे ही किन के स्माइल पे मैं फिदा हो गई। और उसके बाद सीन चेंज होता है और देखने को मिलता है कि सुबह हो गया है, किन और पोर्स वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी किन को आवाज़ आता है मिस्टर किन मिस्टर किन। वो लोग भाग के जाते हैं इस पार से उस पार बट वो लोग नीचे गिर जाते हैं। बहुत देर तक पड़े रहने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। किन पोर्स को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पोर्स बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो, किन बोलते हैं हाँ मैं भी ठीक हूँ। वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर नहीं निकल पाते। फिर पोर्स जो है वो गुस्सा होकर बोलता है कि क्यों हम दोनों एक साथ ऐसे हैंडकप हैं। किन बोलता है पर इससे हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है और अच्छे से। किन बोलता है मैंने सोचा था कि मुझे जंगल से निकलना ही नहीं था। पोर्स बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम तनखुन के जैसा पागल हो गए हो। किन बोलता है यहाँ पे मेरे कंधे पर कुछ भी बोझ नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई रूटीन भी फॉलो नहीं करना हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं खुद में आ गया हूँ फिर से। फिर पोर्स बोलता है तुम्हारा ये वाला रूप मुझे अच्छा लगा, इट्स क्यूट। किन बोलता है पोर्स आई एम सॉरी उस रात के लिए, मैंने इससे पहले कभी अपना लाइन क्रॉस नहीं किया किसी भी बॉडीगार्ड के साथ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। पोर्स बोलता है वो तो मैंने कब का कर दिया। फिर उसके बाद पोर्स बोलता है मुझे पता है कि यहाँ से हम दोनों कैसे निकलेंगे, हम दोनों में से किसी का एक हाथ काटना होगा। किन बोलता है और वो कौन करेगा। पोर्स बोलता है तुम बिना हाथ के अपने लोगों को कंट्रोल कर सकते हो पर अगर मेरा हाथ नहीं होगा तो मैं तुम्हारा केयर कैसे करूँगा। किन बोलता है क्या ये तुम्हारा काम नहीं है अपने बॉस के लिए सक्रीफाइस करना। और फिर वो लोग रॉक पेपर सीजर खेलने लग जाते हैं डिसाइड करने के लिए कि किसका हाथ कट जाएगा।
किन जीत जाता है। फोर्स अपने पॉकेट से चाकू निकाल के किन को देता है और बोलता है, घबराना मत, एक ही बारे में काट देना। किन चाकू से हैंडकप को खोल देता है। फोर्स बोलता है, अगर तुम्हें अनलॉक करना आता था तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। किन बोलता है कि मेरे घर पे हर एक लोग को पता है कि कैसे करते हैं ये। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फोर्स फिर से बोलता है, अगर तुम्हें पता है कि यहाँ से कैसे निकले तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। किन बोलता है, चले जाओ यहाँ से अपने भाई के पास और जाके अपना बार ओपन करो जिसकी तुमने सपना देखा था। मैं सबको बता दूंगा कि तुम जंगल में ही मर गए, ये मेरी ऑर्डर है, चले जाओ यहाँ से। फोर्स वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो दौड़ के किन के पास आते हैं और किन को एक गुड बाय किस और हक देते हैं। और बस यही मोमेंट था, यही मोमेंट था जब मैं इतना रोई कि मैं क्या बताऊँ यार। उसके बाद फोर्स वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो मिस्टर किन पुकारते हैं और बोलते हैं कि वो लोग हेल्प करने के लिए आया है और बोलकर किन के ऊपर शूट करने लग जाता है। और तभी वहाँ फोर्स आकर एक को चाकू से और एक को शूट कर देता है। तभी और एक बंदा आकर फोर्स को शूट करने जाता है और वहाँ किन आकर फोर्स को बचाने जाता है और गोली किन को लग जाता है। और वहाँ पे सारे किन के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो आ जाते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।